फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, यह क्लास हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बीपीएससी एग्जामिनेशन में पूछी गई क्वेश्चन है। तो यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके बीएसएससी और बिहार टीचिंग एग्जामिनेशन की जो भी वैकेंसी आने वाली, इसके लिए यह क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग रोजाना क्लास को कीजिए, क्योंकि मैं रोजाना क्लास शाम 6:05 पे मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो क्लासेस को रोजाना कीजिए, बीच में स्किप मत कीजिए, पूरा क्लासेस कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह क्लास आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? ठीक है, सरंजामी प्रथा जो संबंधित है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है मराठा भूराज्य प्रथा, ऑप्शन बी है तालुकदारी प्रथा, ऑप्शन सी है कुतुब शाही प्रशासन, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मराठा भू राजस्व प्रथा। सरंजामी प्रथा जो है, जो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वाहन के लिए प्रदान की जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है? ऑप्शन ए है खराज, दूसरा है खुम्श, तीसरा है अस्त्र उस्त्र और चौथा है मुक्ताई। और अब एक कूट में दिया गया इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में है केवल वन, ऑप्शन बी में है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी में है पहला दूसरा और तीसरा, और ऑप्शन डी में पहला तीसरा और चौथा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, पहला तीसरा और चौथा। पहला तीसरा और चौथा क्या है? भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर जो इंगित किया जाता है वह है खराज, उस्त्र और मुक्ताई। ठीक है, चलिए इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। खराज, उस्त्र और मुक्ताई भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। ठीक है, जबकि खुम्स भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु खुम्स लूट का धन था। खुम्स युद्ध के शत्रु राजा की जनता, खुम्स जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में दिया और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधार राजस्व के रूप में दावा किया? ठीक है, ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलवन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है उपर्युक्त में से कोई नहीं, या ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी जो है, जो जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। ठीक है, देखते हैं इसके डिटेल्स को क्या कह रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का पहला जो सुल्तान है वह अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए, यानी कि भू राजस्व नीति में परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में किया था, यानी कि क्या करा उसने, उपज का जो 50% है वह भू राजस्व के रूप में निश्चित किया। ठीक है, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। इससे पूर्व बलवन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमिकर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही होती थी, लेकिन जहां अलाउद्दीन बताया जा रहा है, लेकिन जहां अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। यदि भी इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों सही है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प सी ही सही माना था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दूसरा है क्वेश्चन है हमारा, सिख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ऑप्शन ए है सुराहवर्दी संप्रदाय, ऑप्शन बी है ऋषि संप्रदाय, ऑप्शन सी है चिश्ती संप्रदाय, ऑप्शन डी है फिरदौसी संप्रदाय, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो सही जवाब होगा सिख बहाउद्दीन जो है जकारिया, यह जो है जो सुहरावर्दी संप्रदाय के थे, सुहरावर्दी संप्रदाय के थे सिख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय सिख बहाउद्दीन जकारिया 1182 से लेकर के 1262 ईस्वी में से प्रारंभ हुआ। सूफियों ने इस संप्रदाय में सिख शदरुद्दीन आरिफ, सिख रुकनुद्दीन अबुल फतह और सिख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए। ठीक है, इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे और धन और अंतिम और धन और संपत्ति के साधन में बाधक नहीं मानते थे। ठीक है, आगे देखते हैं, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया? ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर शाह, ऑप्शन सी शेर शाह, ऑप्शन डी इस्लाम शाह, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ई होगा। देखिए 64th बीपीएससी में पूछी गई है, तो इसकी डिटेल्स को पढ़ते हैं। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। ठीक है, इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यही प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई डाला है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, जवाबित का संबंध किससे था? ए है राज्य कानून से, बी है मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाला कानून से, सी है टकसाल से संबंधित कानून से और डी है कृषि संबंधित कर से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, राज्य कानून से। ठीक है, जवाबित का संबंध राज्य कानून से है। ठीक है, इसमें भी यही दे रहा है जवाबित का संबंध जो है जो राज कानून से था। सल्तनत काल के सिक्के टंका शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? ऑप्शन ए चांदी चांदी और तांबा, ऑप्शन बी सोना चांदी तांबा, ऑप्शन सी चांदी जास्ता तांबा, ऑप्शन डी है सोना जास्ता और तांबा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चांदी चांदी और तांबा जो है जो सल्तनत काल के सिक्के टंका शशगनी और जीतल की धातुओं थे। ठीक है, देखिए इसके डिटेल्स को देखते हैं, एक मिनट। हाँ, इसकी डिटेल्स में यही बता रहा है कि सल्तनत काल में टंका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था। ठीक है, ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए थे। तो देखिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, टंका चांदी का और जीतल तांबे का बना हुआ था और दोनों सिक्के का जो प्रचलन किया गया था, प्रचलित किया गया था, इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। तो इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित सिक्के थे टंका और जीतल, टंका और जीतल, टंका चांदी से बनाया गया था, जीतल तांबे से। ठीक है, नेक्स्ट है शशगनी भी चांदी का सिक्का था, टंका एवं जीतल का अनुपात 1.48 का था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 12वीं सदी, ऑप्शन बी 13वीं सदी, ऑप्शन सी 14वीं सदी, ऑप्शन डी 15वीं सदी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 12वीं सदी। भारत में जो क्या कहते हैं कागज का जो प्रयोग किया गया था वह
बारहवीं सदी से इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसके डिटेल्स को देखते हैं। विश्व में प्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा चीन में हुआ था। भारत कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तबकात ए नाशिरी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए है शेख जमालुद्दीन, ऑप्शन बी है अलबर्नी, ऑप्शन सी है मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन डी है जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, और देखिए बीपीएससी 42 में पूछी गई क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा तबाकत ए नाशिरी का लेखक है ऑप्शन सी मिनहाज उस सिराज। ठीक है, मिनहाज उस सिराज तबकात ए नाशिरी के लेखक है। तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी की भारत विजय का क्या कहते हैं विवरण मिलता है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की थी और खुतबा पढ़वाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, ऑप्शन ये है, अपने वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, ऑप्शन बी है पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, ऑप्शन सी है स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, ऑप्शन डी है मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसने भक्त जिससे उनके भक्त समझ सके। ठीक है, भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था, उसने उसमें से बहुत से देशों का भ्रमण किया। ठीक है, और वे कई प्रकार के लोगों से मिलने जिनके विचार भिन्न थे। ठीक है, उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में देते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सके। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ? ऑप्शन ए है 1192 में, ऑप्शन बी है 1191 में, ऑप्शन सी है 1185 में, ऑप्शन डी 1178 में, और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुए। ठीक है, देखते हैं इसके डिटेल्स को पढ़ लेते हैं। मोहम्मद गोरी ने 1187 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय गुजरात का अहिलवाड़ चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय था। उसने अपने भाई भीम द्वितीय को सेनापति बनाकर भेजा, साथ में उसकी माता नायका देवी भी थी। माउंट आबू पर्वत के पास काशहद के मैदान में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार हुई थी, यानी कि मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार हुई थी। ठीक है, तो इसी तरीके से क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। शेष जो भी क्वेश्चन बचे उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस क्लास का बेनिफिट आप लोग ले रहे हैं। तो इसी तरीके की रोजाना क्लास पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह इस क्लास के लिंक को शेयर कीजिए ताकि इस क्लास का लाभ और लोग भी ले सके। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल AV Academy को
सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े, ताकि आपका और हमारा यह चैनल आगे ग्रोथ करे अच्छे से और लोग इस क्लास का बेनिफिट ले सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।